दिस इज सतनाम सिंह योर फ्रेंड एंड योर टीचर. होप यू ऑल पीपल आर हैप्पी एंड एंजॉयिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस इन दिस डेज. सो मैं उम्मीद करता कि तुम घर अपनी पढ़ाई के नाल जुड़े हुए हो. विद्यार्थी हो, अज मैं जो विषय थोड़े सामने लैके आया वो थोड़ी पाठ पुस्तक साहित्य ग्रंथ भाग दो दे विचों कहानी दुश्मनी जी है बलविंदर सिंह बराड़ जी द्वारा लिखी गई है. विद्यार्थियों, कहानी दो परिवारों की है, अर्चना और वंदना, जिहड़े कि दिल्ली वर्गे महानगर के रहिंदे ने. ध्यान देना, भूमिका दे विच आपां गल करांगे. ये सारी सारी कहानी जी है पढ़न तो बाद मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली तुहाडे सामने पॉइंट लैके आया. तुसीं इसका स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो. पूरी की पूरी कहानी तुहाडे सामने घट शब्दों के पेश की गई है. विद्यार्थियों, भूमिका दे विच जिकर आपां गल करांगे, ये अजिही कहानी है दो परिवारों की, अर्चना और वंदना के परिवारों की, जिन्हां दे विच के जो दिल्ली के महानगर में रहिंदे ने, जिन्हां दीआं उत्थों दीआं समस्यावां, जिवें कि आपां पता कि वड्डे शहरां दे विच प्रॉब्लम्स काफ़ी आउंदियां ने, परिवारिक मुश्किल आउंदियां ने, दिक्कतां आउंदियां ने. किहड़ियां दिक्कतां आउंदियां ने कि उत्थे जगह घट हुंदी है, बसों ज़्यादा वा जिस करके जगह घट हुंदी है, पानी की किल्लत हुंदी है, बिजली के कट लगते हैं. उस नगर के फुल बूटियां की अहमियत है, ये सारी चीज़ां केंद्र बिंदु रख के बलविंदर सिंह बराड़ जी होरां द्वारा दुश्मनी कहानी तुहाडे सामने पेश की गई है. और इस कहानी द्वारा कुदरत नूं विच रख के मुख रख के सानूं एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि महानगरां दे विच फुल बूटियां दी की अहमियत है और सानूं छोटी तो छोटी गल्लां दे नाल, छोटी छोटी तकरारां दे नाल दूर नहीं होना चाहिए. सानूं फुल बूटियां नूं किस तरीके दे नाल रखना चाहिए, सानूं की उहदा वातावरण दे विच फायदा है, परिवारिक माहौल, मिडिल फैमिली दियाँ या जो महानगर दे विच लोग रह रहे हैं उन्होंने जीवन नाल संबंधित किहो जिहियां दिक्कतां ने, उन्होंने केंद्र बिंदु रख के ये कहानी सिज्जी गई है. विद्यार्थियों, अगे वधदे हां, समां नहीं बर्बाद करते. सब तो पहला भूमिका तुहाडी मैं तुहानूं हुणे ही दस चुके हैं कि दो परिवारों की जिहड़ी है कहानी है जिस दे विच उन्हां दीआं जिहड़ियां दिक्कतां ने, परिवारिक दिक्कतां ने, दिल्ली वर्गे महानगर दे विच रह के वो सारिया दिक्कतां तुहाडे सामने पेश कीतियां गईआं ने. अर्चना ते वंदना दो परिवार ने. अर्चना जिहड़ी है DDA फ्लैट च तीसरे फ्लोर से टॉप फ्लोर से रहती है, तो वंदना उस तो हेठले फ्लोर से रहती है. तो अर्चना को फुल बूटियां का बहुत प्यार है. आप अगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, जिस तरीके दे नाल कहानी या फिल्मों के देखते दे हैं, कोई सीन दिखा के उसको बेस बना के कहानी शुरू की जाती है, उस तरीके कहानीकार ने एक बड़ी अच्छी कहानी सिज्जी है. एक सीन दिखाया पहला जिवें फ्लैशबैक होंदी है, उसनों उधार बना के. सब तो पहला तुम देखो कि कहानी के वंदना जी टैरिस से जाती है, टैरिस से जाके देखती है कि उसकी मानसिक दुविधा या उसकी जी उदासी दिखाई गई है की है. वो जाके देखती है कि फुल बूटे सुके पे ने, पत्ते हरे हो गए ने, जोड़े हरे हो गए सुक गए ने, टुट गए ने. जून का महीना, बुरा हाल है फुल बूटिया का. वो फुल बूटे घुमला रहे हैं, सुक रहे हैं. इन्हों देख के उन्होंने चीज पैंती है, उन्होंने दुख होंगे जिमें वो कंडे चुभते हो, जिस करके उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल, जानी कि अगर आप देखिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा फील होंगे क्योंकि उसनों भी फुल बूटिया के नाम प्यार है. सो विद्यार्थियों, मानसिक दुविधा जेकर आप गल करिए, बेटा जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो फुल बूटे सुक रहे हैं, वो सोच रही है कि शायद कितने मीह पै जाए, क्योंकि TV के भी उसने खबर सुनिया कि शायद संभावित मीह पै जाए, पर मीह नहीं पिया. उन्होंने यह कि मीह पै जाए तो मैं पानी पाने की जरूरत ही ना पवे, तो फुल बूटे जोड़े है उन्होंने पानी मिल जाए तो हरे भरे हो जाए. नैक्सट पॉइंट बेटा देखो, अर्चना का फुल बूटिया का प्यार. हुण इसे ही सीन नूं, इसे ही फुल बूटिया के इसे दृश्य अगर आप गल करिए, इसे गल तो कहानी अगे वधदी है कि यह फुल बूटे जिहड़े हैगे आ टैरिस दे उत्ते, फुल बूटे हैगे आ अर्चना दे. अर्चना जिहड़ी हैगी आ उस वो टॉप फ्लोर ते तीसरे फ्लोर ते रहिंदी है, उसनू फुल बूटिया नाल बहुत प्यार है. उसने अपने फ्लोर तो निकलते हुए पौड़ियां दे नाल ऐ चलदे चलदे उपर गमलियां दे विच फुल बूटे लगाए हुए हैं, जो कि टैरिस पाप छत दे उत्ते लगे हुए हैं. वो टैरिस गार्डन बनाउणा चाहुंदी है. उस तो बाद टैरिस से वाधू टेंगे बच्चों फुल बूटिया पानी पाने के लिए पानी चाहिए, बदन के लिए पानी चाहिए. वो पानी जोड़ा है टैरिस के उत्ते हम कि जाए, टैरिस के उत्ते वाधू टैंकियां एक जी अपनिया परिवार दियाँ सारे दियाँ 500 लीटर दियाँ 500 लीटर 500 लीटर दियाँ सारे परिवार दियाँ पानी के टैंकियां उपर रखी हुई हैं. तो अर्चना ने वाधू टैंकी रखी हुई है. क्यों रखी है वो वाधू टैंकी? उसने फुल बूटिया पानी पाने के लिए रखी है. वह की करती सी कि अपनी टैंकी दे नाल पाइप ला के वो वाधू टैंकी भर लैंदी सी, ते बाद दे विच बाल्टी जां डब्बियां दे नाल फुल बूटियां नूं पानी दे दिंदी सी. दोनों की दोस्ती, दोनों मतलब अर्चना अते वंदना, अर्चना अते वंदना जिहड़ी है दोनों की दोस्ती किवें हुंदी है? दोनों परिवार DDA फ्लैट्स पाप दिल्ली दे विच महानगर दे विच 5 साल पहला जिहड़े फ्लैट बने आ उन्हां नूं 4 साल पहला जिहड़े अलॉट होए सी उन्हां दे पतियां नूं
जिहड़े कि दोनों ही सरकारी महकमिया दे विच नौकरी करदे ने, वख-वख महकमिया दे विच। दोनों की दोस्ती किवें हुंदी है? दूसरे फ्लोर ते वंदना, तीसरे फ्लोर ते अर्चना। अर्चना ते वंदना च एक सांझी गल इह है कि दोनों नूं फुल बूटियां नाल बहुत प्यार है। ते जदों वंदना अपनी भरी हुई टैंकी पानी की देखण जांदी कि पानी की टैंकी भर गई है या नहीं, कपड़े पाउण जांदी गिल्ले जां सुके कपड़े लैण आउंदी वापस, तां उहनां दोनां दे विच बहुत गल्लां हुंदियां। कदे गल्लां हुंदियां फुल बूटियां दियां, फिर गल्लां हुंदियां अपने बच्चियां दियां, ते कदे गल्लां हुंदियां आंढ गुआंढ दियां। इस तरीके दे नाल गल्लां करदियां जां इस तरीके दे नाल व्यवहार हुंदा होया उहनां दी दोस्ती वध जांदी है। नैक्सट, वंदना नूं फुल बूटियां दी जिम्मेवारी सौंपणा। हुण वंदना नूं फुल बूटियां दी जिम्मेवारी किवें सौंपणा? भाव यह है कि जदों अर्चना जिहड़ी हैगी है ओह छुट्टियां दे विच, जून दी छुट्टियां दे विच अपने मतलब कि छुट्टियां मनाउण जांदी सी दिल्ली तों वापस ओह पंजाब दे विच आ जांदी सी छुट्टियां कट्टण दे विच, तां ओह अपने फुल बूटियां दे वास्ते किसी ना किसी की जिम्मेवारी लगाना चाहती सी कि फुल बूटे जिहड़े हैगे उहनां नूं पानी की जरूरत हुंदी है, जिस करके वह वंदना नूं ड्यूटी लगा के जाती सी कि वंदना मैं दो हफ्तों लई जा रही हाँ, पिछों प्लांट्स का ध्यान रखना, प्लीज़ उन्हां नूं पानी दिंदे रहना। जिहड़ी वंदना है वह भी बड़ी दयालु किस्म की औरत है, वह की कहती हुंदी सी अग्गे हलीमी दे नाल कहती हुंदी सी कि तू फिक्र ना कर, जिहड़े ये हैगे आ मेरे प्लांट्स जिहड़े हैगे, तेरे प्लांट्स जिहड़े हैगे आ उहनां दी जिम्मेवारी मेरी है, मैं इन्हां नूं सुकन नहीं देंगी। वह सचमुच वो बूटियां नूं रोजाना पानी दिंदी, रोज़ जदों उन्हूं लगता कि गमलियां दे विच पानी घट आ पानी पा दिंदी, जदों उन्हूं लगता कि पानी की टैंकी खत्म हो गई है तां चाहे अपनी पानी की टैंकी दे नाल ही वह पानी जिहड़ा है उहदे विच टैंकी दे विच भर दिंदी सी। अते जद तक अर्चना वापस नहीं आउंदी सी उदों तक वह फुल बूटियां नूं पानी दिंदी रहिंदी सी, हरा भरा रखदी सी। उस तों बाद जिहड़ी जिम्मेवारी नूं सौंपदी सी उह चंगे तरीके नाल निभाई, क्योंकि उह उन्हां नूं पानी भी चंगे तरीके नाल दिंदी सी ते हरा भरा रखदी सी। रिहायश दौरान दोस्ती, जिहड़ी मैं तुहानूं पहले दस चुकिया कि बच्चे जदों रहिंदे आ उहनां दी दोस्ती हो जांदी है, तीसरे फ्लोर ते अर्चना रहिंदी है, दूसरे फ्लोर ते वंदना रहिंदी है। जदों दोनां दे विच आपस दे विच व्यवहार हुंदा है, कपड़े पाउण जांदी है, छत ते लैण जांदी है, पानी दी टंकी देखण जांदी है, उहनां दी दोस्ती जिहड़ी हैगी है बहुत ज़्यादा वध जांदी है। इक मेन गल इह हुंदी है उहनां दी दोस्ती दी कि दोनां नूं फुल बूटियां दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव। वंदना दी विचुप्ती दा कारण हुण दुबारा उही गल आ गई कि वंदना जदों फुल बूटे देखती है ना उन्होंने बहुत बुरा लगता, ठीक है, फुल बूटे सुके होंगे जिन्हें करके जून का महीना चल रहा होंगे, ठीक है, सुके हुए फुल बूटे देख के उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि ये जिहड़े फुल बूटे आ इन्हों पानी जिहड़ा है किस तरीके दे नाल दिता जाए। फुल बूटे जो सुक रहे थे ना उन्होंने देख के बहुत बुरा लग रहा है। असल दे विच जदों एक इन्हां दे विच इहदा इंसीडेंट हो जाता, उस इंसीडेंट करके इन्हां दोनों के प्यार नहीं रहिंदा। हुण उह इंसीडेंट की सी जिहड़ा मैं पहला तुहानूं दस चुक्किया, आपां अगे गल करांगे, जिस करके दुचित्ती च असीं पानी पावां जां ना पावां। एक होर गल सी बच्चे ध्यान दिओ कि वंदना दा परिवार जिहड़ा सी अर्चना दे परिवार नालों वड्डा सी, उह सी उहदा पति, उहदे दो बच्चे वंदना दे ते उसदा दिओर ते सस सहुरा वी रहिंदे सी, परिवार वड्डा हो गया। जदों कितें तुहानूं पता महानगर परिवार दे विच कोई रिश्तेदार भी आ जांदा सी प्रॉब्लम की हुंदी सी, उहनां नूं पानी दी बहुत किल्लत हुंदी सी, जे बिजली दा कट लग जाए तां होर ज़्यादा प्रॉब्लम हुंदी सी। जिस करके उन्होंने की डिसाइड किया, वंदना दे ते उसके पति ने, राहुल है उसका नाम, वंदना के पति का नाम राहुल है, उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि जी 500 लीटर की पानी की टंकी है वो रिप्लेस करके उसकी जगह 1000 लीटर की टंकी लगाई जाए। उन्होंने की किया, प्लास्टिक की टंकी लिया, पलंबर लिया, फिट करवा शुरू कर दिया। उन्होंने जो फैसला लिया से सो उस तो बाद की हुआ, जो फिट करा रहे थे काम कर रहे थे तो उस टाइम अर्चना जी है छत के उत्ते आ जाती है, तो छत के उत्ते आके वह बोलन लग जाती है कि तुसी जिहड़ी है यह पानी की टैंकी नहीं लगा सकते, तुसी ये टैंकी नहीं ला सकते, मैं तुहानूं ये टैंकी नहीं लाउण देंगी। वह बहुत उच्ची उच्ची बोलन लग पई। अर्चना जिहड़ी टॉप फ्लोर ते रहिंदी है वह टॉप फ्लोर ते रहण करके ना अपना ही अधिकार समझती है कि जिवें मोनोपोली जी नहीं हो जाती, वह समझती है कि छत मेरी है, जिस करके वह उन्होंने बुरा भला या उन्होंने उच्ची उच्ची बोलन लग जाती है, तुसी इत्थे जिहड़ी है टैंकी नहीं लगा सकते, मैं तुहानूं ये टैंकी नहीं लगाउण देंगी। एक क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के विच भी होंदा कि तुसी पानी की टैंकी नहीं लगा सकते, मैं तुहानूं नहीं लाउण देंगी, यह शब्द किसने कदों अते किसनूं कहे। अर्चना इस तरीके नाल वह पाउण लग जाती है। उस तो बाद वंदना बुरा नहीं दली, वंदना बुरा बुरा मतलब वंदना अते उसका जिहड़ा पति है
राहुल उन्हां दी दलील हुंदी है कि जिहड़े हैगे असीं दो टैंकियां नहीं ला रहे, असीं अपनी छोटी टैंकी जिहड़ी हैगी आ उहनूं रिप्लेस करके उसकी जगह पर 1000 लीटर की टैंकी लगा रहे, भाव छोटी टैंकी 500 लीटर की चक के उसकी जगह 1000 लीटर की असीं रिप्लेस कर रहे हैं, असीं कोई दो टैंकियां नहीं लगा रहे। पर की है वह जिहड़ा है उन्हां नूं बहुत बोलना लग जांदी कि तुसीं नहीं ला सकते, मैं तुहानूं इह टैंकी नहीं लगाउण देणी। इस तरीके नाल की हो जाती है, लड़ाई वध जाती है। अर्चना अपने पति संजीव चोपड़ा नूं बुला लैंदी है जिहड़ा कि उस समय बाजार दे विच गया होया हुंदा। संजीव जदों आउंदा वा उह आ के दोनों दे विच लड़ाई नहीं मिटाउंदा हैगा, वह भी आ के इन्हां दे नाल जिहड़ा है बोलना शुरू कर दिंदा है कि तुसीं जिहड़ी है ये टैंकी नहीं लगा सकते, जेकर तुसीं ये टैंकी लगाओगे तो मैं पुलिस नूं बुला लैंदा। अर्चना के पति ने भी आके लड़ाई नहीं मिटाई तो वह भी बोलन लग गया, जिसके करके की हो गया रौला रौला हों, जिमें देखा बच्चे लड़ाई होंगी है तो आंढ़ गुआंढ भी देख लग जाती है, वह भी खड़ जाते हैं समझाते हैं लेकिन नहीं समझते। अर्चना का पति संजीव चोपड़ा सचमुच ही पुलिस को बुला लिया है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है आके देखती है दोनों के बीच उपर जो छत के उत्ते देखती है कि अर्चना ने एक्सट्रा टैंकी रखी हुई है, भी उन्हें भी एक्सट्रा टैंकी रखी हुई है, हालांकि जिहड़ी वंदना है वह तो एक्सट्रा टैंकी नहीं रख रहे, सिर्फ रिप्लेस कर रहे, जिस करके वह दोनों के बीच किसी न किसी तरीके कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे ने ते उन्होंने सामने हाथ भी मिला देंगे ने, भावें उन्होंने जिहड़ा हैगा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हाथ मिला दिते जाते हैं, पर उन्होंने पहला वाली गल नहीं रहती, तो मेल जोल बंद हो जाते हैं, मेल जोल भाव मिलना जुलना बंद हो जाता है। उस तो बाद अर्चना की बेरुखी इस गल में बड़े 4-5 महीने हो जाते हैं, अर्चना जी है दोबारा अपने पंजाब के बच्चे दिल्ली तो पंजाब छुट्टियां वापस अपनी चली जाती है, उत्थे छुट्टियां बिताउण गई थी, पर गल की होंगी है कि वह जदों उत्थे जाती है तो वह वंदना बिल्कुल भी नहीं कह के जाती कि तू मेरे फुल बूटियां का ध्यान रख ली, जिस तरीके दे नाल वह पहला कहती होंगी सी वंदना कि मेरे फुल बूटियां का ध्यान रख ली, वह जाते हुए उसने बिल्कुल भी वंदना नहीं कहा। हुण वंदना जिहड़ी है दयालू है उहदी सोच की है, वंदना इस गल का बहुत गुस्सा सी कि अर्चना ने ना आकड़ रखी हुई है, है ना, वो फुल बूटियां पानी नहीं देगी, वंदना के दिमाग आएगा भी फुल बूटियां पानी नहीं देगी, पर वंदना जिहड़ी हैगी है वह एक दयालु किस्म की औरत, दयालु किस्म की औरत, 3-4 दिन तक उन्हें देखे कि बूटियां फुलों पानी नहीं दिता गया, जिस करके उसका मन जिहड़ा है बच्चे दुखदा भी है क्योंकि एक दयालु किस्म की औरत है, ठीक है कि पानी जिहड़ा है 3-4 दिन हो गए किसी गुआढ़ी ने भी नहीं दिता है कि होगा, एक दिन वो अपने पति के कोल ना गल कर लग गया, ठीक है सुख रहे बूटिया के बारे अपने पति के नाल गल की, अपने पति के नाल ना गल कर रही थी, हाए देखो अर्चना जी है ना वो ना सारे प्लान सुख रहे हैं, है ना कोई पानी भी नहीं दे रहा, मैं तो आप नहीं पाँगी पानी पाने, आम औरत घर अपने दोस्तों के नाल या औरतों के नाल लड़ाई हो जाए तो यहोजी गलें करते हैं, मैं भी नहीं पाँगी हैगी पानी नाले मैनू कड़ा क्या उन्हें है मैनू कड़ा कह के गई है वही आकड़ी है, प्लांट्स वो प्लांट्स होगे साढ़े की लगते हैं प्लांट्स, यहोजी गल्ला करती करती वो अपने पति को कहती है तो अपना जो गुस्सा जोड़ा हैगा वो शो कर देती है। संजीव भी चुपचाप सुनता रहा वह भी कहता रहा वा कि हाँ हाँ सानू भी वंदना का पति जोड़ा राहुल है वह भी सुनता रहा, माफ करना वंदना का पति राहुल वह भी सुनता रहा, वह भी कहता सानू की जो मर्जी होंदा रहे फुल बूटे कि है ना सानू कह के गया आप लेना वो बगीचे तो सुख जान दे पहला उदों किमें बोलती सी चबर चबर है ना भी उदों जो लड़ाई हुई थी उदों किस तरीके गल करती सी, सो वंदना का पति भी उसका साथ दिता है। उस तो बाद बूटिया पानी दे बेटा तुम दस्या कि वंदना जी है वह बड़ी दयालु किस्म की औरत की होया वो दोबारा जदों फिर टैरिस के उत्ते किसी ना किसी काम के उत्ते जाती है ना छत के उत्ते सुकरे बूटिया देखिया उन्हें तरस आ गया, फिर वो मन के आया पहला तो सोचती है कि पानी पा दे, फिर अगले मन सोचती है आप लेना है ना मैं कि लेना ये लगभग एक हफ्ता हो गया बच्चे किसी भी गुआढ़ी ने बूटिया पानी नहीं दिता, ना ही अर्चना वापस आई ना ही किसी गुआढ़ी ने पानी पाया, उन्होंने लगता है कि अर्चना वापस आ जाएगी जब ना ही बारिश हुई बारिश का पानी भी नहीं पिया, जिस करके फुल बूटे बहुत ज़्यादा सुक रहे से फुल बूटिया का बहुत बुरा हाल से, ये देख के उसका मन जरा वो पिघल गया, उन्हें की सोचा
मना एवं गिला पीन नहीं पाईदा, गिला पीन पाना मतलब गल नहीं वधाईदा। उन्हें की किया टैंकी के नाल रखी जी बाल्टी मूटी की हुई सी पानी भरिया टैंकी के विचों, तो पानी जोड़ा है फुल बूटियां पाना शुरू कर दिता। एवें गिला पीन नहीं पाईदा, चल हो छड परे। उन्हें टैंकी कोल मूती पी बाल्टी चुकी, टैंकी खोल के बूटियां पानी देन लग गई। सो उन्हें इस तरीके दे नाल फुल बूटियां पानी दे दिता। जदों वंदना के पति ने राहुल ने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया वो उपर गई हुई है, वापस नहीं आई, ठीक है कि इन्ना टाइम हो गया वो वापस क्यों नहीं आई, कपड़े उतार गई सी। जदों जाके देखती है पानी जिहड़ा है पानी पा रही होंगी है, वंदना वेख के वह हक्का बक्का रह जाता है। इस तो पहला कि वंदना कुछ कहता, वह संजीव वेख के बोली कि मैं सोचिया वह तो यहोजे ही ने। वंदना बोली अपने पति को कि मैं सोचिया वह तो यहोजे ने, अपनी लड़ाई तो उन्होंने हुई है, अपनी लड़ाई तो अर्चना उन्होंने हुई है। इन्हों बेचारे प्लांट्स की कसूर है, इन्हों जे प्लांट्स ने उन्होंने सा दुश्मनी नहीं है, प्लांट्स का कोई कसूर नहीं है, साड़ी लड़ाई अर्चना के नाल हुई सी। सो इस तरीके ने विद्यार्थी लड़ाई एक पानी की टैंकी करके होंगी है, वो फुल बूटे जोड़े है उन्हों की दोस्ती का कारण से उ जी दुश्मनी मिटाउन भाव एक तरीके गलू थोड़ा बहुत दूर करने के सहाई होंगे ने। इस तरीके देखो कि कुदरत जी हैगी है साडा वातावरण दो साफ कर खुशबू देने महका वंडन के दोस्ती वंडन के जिमें महका वंडदा उमें के नाल सानू उन्हें दोस्ती भी वंड दिती। सो इस तरीके बलविंदर सिंह बराड़ जी ने सानू जिहड़े आम जीवन दियां दिक्कतां ने समस्यावां ने, चाहे वह पानी की किल्लत होवे, घट जगह की होवे, बिजली के कट हो, लड़ाइया हो, इन्हां नूं केंद्र बिंदु रख के कुदरत की गल भी करते हुए सानू साडी कहानी जिहड़ी साडे सामने सिंजी है। तो सानू कई नसीहतां भी दित्तियां ने, नसीहत यह है कि छोटी मोटी गल तो लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, गल नूं लंबा नहीं करना चाहिए, तो सानू जिहड़ा हैगा एक दूजे नाल मन मिल वरत के भी रहना चाहिए है। जिवें अर्चना नूं भी चाहिए सी कि वो पानी की टैंकी के पिछे लड़ाई कर दी, ठीक है, उन्होंने गल अगे वधाउणी नहीं चाहिए सी। सो सानू कई इस तो नसीहत भी मिलती ने। हुण असी रीकैपचुलेट कर दिए जल्दी तो जल्दी, एक नंबर वाले क्वेश्चन भी तुहानू नाल दी नाल पता लग जाणगे। विद्यार्थियों ध्यान देना इस चीज़ नाल कि मैं नाल दी नाल क्वेश्चन दस्सिया तुहानू, इह कहानी किसकी लिखी हुई है, दुश्मनी कहानी का नाम की है, दुश्मनी लिखी किहदी हुई है, बलविंदर सिंह बराड़ की, दुश्मनी बराड़ की, ठीक है जी। तुहाडी कवि पुस्तक का नाम है साहित्य का भाग दो। अर्चना किहड़े फ्लोर ते रहिंदी सी, टॉप फ्लोर भाव तीजे, वंदना किहदे ते दूसरे ते। अर्चना के पति का नाम ध्यान दौ बच्चों, किताबों के गलत लिखा हुआ है, अर्चना के पति का नाम है संजीव चोपड़ा, वंदना के पति का नाम है राहुल भाटिया, यह गल याद रखना, ठीक है जी। सो दोनों कहदे नाल पिया सी फुल बूटियां नाल, टैरिस ते किन्ने लीटर दियां टैंकियां पईयां सी, 500 लीटर दियां टैंकियां पईयां सी, ते ओह वंदना ने किहड़ी टैंकी रखनी सी 1000 लीटर दी, क्यों रखनी सी, परिवार वड्डा सी। और वंदना के परिवार से कौन कौन सी, वंदना उसका पति उसके दो बच्चे सास सहुरा ते देवर, दोनों कहदे नाल प्यार सी फुल बूटियां नाल। वंदना किहड़े फ्लोर ते सी, सैकंड फ्लोर ते, फ्लोर का नाम की सी डीडीए फ्लोर, यह किहड़े शहर की गल है, दिल्ली शहर की गल है। अर्चना ते वंदना के पति की काम करते सी, सरकारी कर्मचारी सी किसी महकमे च, वक् वक् महकमिया दे विच। बेटा जी एक गल होर देखियो, फ्लैट जिहड़े हैगे आ उन्होंने पिछे हरेक परिवार ने एक एक 1000 की लीटर की एक एक टैंकी रखी सी, क्योंकि पानी एक समय हुंदा सी, प्रैशर घट हुंदा सी, फिर की करते 1000 लीटर वाली पानी भर लेंदे सी, फिर नीचे मोटर रखी हुंदी सी उहदे नाल पानी उपर लै जांदे सी। सो फ्लैट के पिछे भी 1000 लीटर की एक एक पानी की टैंकी जिहड़ी है वह रखी हुई सीगी। सो इस तरीके जेकर क्वेश्चन की गल करिए, क्वेश्चन थोड़े जोड़े है वो है, अर्चना ने छत पर वादू पानी की टैंकी क्यों रखी सी, सिंपली एक लाइन वास्ते दसदा कि फुल बूटियां नाल प्यार सी, ते उसने उसनू पानी देने दे लई एक एक्स्ट्रा टैंकी अर्चना ने रखी हुई सी फुल बूटियां नू पानी देने लई। अर्चना ते वंदना मिलकर कि उहो जिहे गल्लां करदियां सी जदों उह टैरिस ते जांदियां सी, फुल्लां बूटियां बारे, बच्चियां बारे ते गुआंढियां बारे गल्लां करदियां सी। दोवें गुआंढणां दे विच अणबण दा कारण की सी, पानी की टैंकी 500 लीटर वाली, जिहड़ी कि 500 लीटर की जगह वंदना अपनी 1000 लीटर की टैंकी रखना चाहुंदे सी। बेटा एक नंबर का प्रश्न है तो उसके हिसाब नाल लिखियो, तो वड्डा प्रश्न है तो उहनू उसके हिसाब के नाल तीन नंबर के हिसाब के नाल लिख दिओ। तुसीं ये पानी की टैंकी नहीं लग सकते, मैं तुहानू ये टैंकी नहीं लिआउण देवांगी,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੇ? ਇਹ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਛਾਉਣ ਨਾਲ ਵੰਦਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ। ਵੰਦਨਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ। ਇਸਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਡੀ ਡੀ ਏ ਭਾਵ ਫਲੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀ ਡੀ ਏ ਸੀ। ਟੋਪ ਫਲੋਰ ਭਾਵ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਚਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। 500 ਲੀਟਰ ਟੈਂਕੀ ਭਾਵ 500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਭਾਵ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ, ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਅਰਚਨਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤੀ ਹੈ ਫਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੰਦਨਾ ਭਾਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।